आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की सत्ता से विदाई का वक्त आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कोई और नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग को कोई और ही नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल के PHQ में डाक मतपत्र कचरे के ढेर में मिलना, स्ट्रांग रूम का सीलबंद नहीं होना, स्ट्रांग रूम में बार बार बिजली जाना, वहां कैमरा बंद पाया जाना और इस सब की शिकायत चुनाव आयोग से करने के बाद भी कुछ नहीं होना बताता है कि गड़बड़ है। देखिए, कांग्रेस कोई भी नियम कायदा कानून का उल्लंघन करती नहीं है और कांग्रेस जो भी नियम है उसका पालन करती है। आश्चर्य तो हमें इस बात का है कि चाहे बैलेट पेपर फीके मिले, चाहे बैलेट पेपर आज मिले होमगार्ड के अधिकारियों को, चाहे EVM लेट आए, 48 आवर्स लेट जमा हो, इन तमाम चीज़ों पे BJP को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है और ऑब्जेक्शन नहीं होना ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो उनके कहने में हैं उनको दबाव में डालकर ये चुनाव को टैम्पर करने की कोशिश कर। कांग्रेस ने खुरई के कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि खुरई के कलेक्टर मंत्री भूपेंद्र सिंह के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और खुरई के कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। शोभा ओझा ने शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मानवता की बात करते हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते जब BJP के ही राजा दुबे की मृत्यु हुई थी तब ना उन्होंने अपना भाषण रोका था और ना ही मिलने गए थे। शोभा ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे पर हार की झलक दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।